दोस्तों आपका भी अभी तक फेसबुक का जो है पेमेंट नहीं आया है, वो पेड शो कर रहा है और एस्टिमेटेड डेट जो आ रहा है वो भी शो कर रहा है कि आपका जो डिलीवर डेट था वो 4 सितंबर है, बट आपका पेमेंट नहीं आया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 100% पता चल चुका है क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे आपका 22 तारीख लिखा रहा होगा पेड हो गया होगा, किसी को 24 को हुआ होगा, किसी को 28 को हुआ है, जैसा भी हुआ है, बट अभी तक क्या है कि 99% लोगों का जो पेमेंट है वो अकाउंट में नहीं आया। तो क्या रीज़न है उसका, रीज़न पता चल चुका है। ये देखिए रीज़न पता चल चुका है क्योंकि जब मैं बैंक में गया, बैंक में जाकर के विजिट किया मेरे एक फ्रेंड ने, और वो चार बैंकों से पूछा क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं आई, तो वहाँ पे जो उनके मैनेजर ने बताया वो ये बताया है कि आरबीआई में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पे हैं, इसकी वजह से जो डॉलर्स की पेमेंट आ रही है वो रोक दी गई थी। और ये देखिए यहाँ पे साथ के साथ आप न्यूज भी देख सकते हो, बैंक स्ट्राइक, करोड़ों बैंक ग्राहकों के अलर्ट किया गया, बैंक खुलने के बाद भी नहीं मिल रही है ब्रांच में सर्विस, किन बैंकों में नहीं हुआ काम, जो आरबीआई की तरफ से है नोटिस कर दिया गया है कि भैया बैंक का जो स्टाफ है वो काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है। तो ये हुआ ये था कि हड़ताल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 13 स्टाफ यूनियन को अधिकारियों को चार्जशीट के जारी करके खिलाफ विरोध के रूप में किया जा रहा है, और AIBA के महासचिव CH वेंकटवन ने इस बारे में जानकारी दी है, संघ की मांगों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है, AIBA ने 28 अगस्त 2024 को ट्रेड यूनियन पर राजनीतिक हमले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में AIOBC, NCBE, BFI, AIB जो भी हैं ये एसोसिएशन ने शामिल होने का ऐलान किया था। इस वजह से जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं वो सारे के सारे हड़ताल पे हैं, इस वजह से आपकी पेमेंट जो है वो नहीं आ पा रही थी। तो गुड न्यूज ये भी आपके लिए है कि जो हड़ताल है ये ख़त्म कर दी गई है, और जो आपका पैसा है वो मंडे को आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक आपका जो भी जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है फेसबुक और यूट्यूब क्रिएटरों के लिए जिनकी पेमेंट होल्ड पड़ी हुई है। और कोई जानकारी हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।